हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद अस। अभी बज रहा है दोपहर के 1:30 और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट कैसे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और दोपहर में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। तो आई हूँ, आज सुबह 4 बजे उठ गया था और 4 बजे से बहुत ज्यादा एक्टिव था। 8 बजे तक वो खेला, उठने के बाद 8 बजे तक वो खेलता रहा। 8 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद मैं उसे सुलाने के लिए लाई, वो 2 मिनट में सो गया बेड पे लेटे लेटे। उसके बाद वो 11:30 बजे उठा, तो 11:30 तक मैं भी उसके साथ सो ली थी। एंड उठने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि बाहर से खाना ले आना, क्योंकि नींद नहीं हो पाई थी, बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। पूरे कपड़े गीले कर लिया आपने, क्या कर रहे थे मम्मम से? हाँ, तो बस यही था कि उसको मैं सुलाया 11:30 बजे, वो भी उठा 11:30 बजे, मैं भी उठी, हम दोनों 11:30 बजे उठे। एंड देन उसके बाद मेरे हस्बैंड आए 12 बजे, तो बाहर से लेकर आए थे खाना। देन मैंने नहाया एंड देन हम लोग ने खाना खाया। एंड आयू के लिए मैंने पराठा बनाया था, तो उसने वो पराठा खाया। और ये चिपोटले का लेकर आए थे, चिपोटले बॉल, तो वो भी आयू ने थोड़ा बहुत राइस खाया, उसमें से ज्यादा नहीं खाया। अभी ये साहब नहाए नहीं है, अभी इन्हें नहाने के लिए जाऊंगी मैं। पूरे गीले हो गए पानी पानी से खेल कर रहे थे। तो बस यही था, सुबह की जगह है, एक्टिव है, तो मैं अभी इसके लिए थोड़ी देर से कुछ बनाऊंगी नहलाने के बाद। अभी इसको देन इसको कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद स्टैंड हियर, नाउ टॉक। तो बस उसको नहलाने लेकर जा रही हूँ मैं अभी, तो थोड़ा बहुत घर क्लीन कर लूँ, बेडिंग वगैरह ठीक कर लूँ। एंड खाना आज कुछ कुकिंग करनी है आयु के लिए बनाना, तो एक पराठा खाया है उसने, इसमें थोड़ा सा छोड़ा था उसने पराठा। और उसने अभी उसके बाद से अभी वो खेल ही रहा है, जब से 8 बजे का उठा है, 1:30 बज गए हैं। तो मैं 2 या 2:30 बजे तक उसे सुलाऊंगी, इसलिए मैं उसे नहलाकर कुछ उत्पम वगैरह कुछ बनाकर उसे खिलाती हूँ, देखती हूँ खाता है कि नहीं, क्योंकि पराठा खाया है तो पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। तो बस यही था आज का स्टार्ट, मैंने आज 1:30 बजे दोपहर की किया है। और आयु अभी बैठा हुआ है बेड पे, इंजॉय कर रहा है सब कुछ। और प्लीज मेरे जो जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं आकांक्षा हूँ, मैं इंडिया में MP से बिलोंग करती हूँ। यहाँ हम लोग डैलस टेक्सास में रहते हैं, US में। और आप लोग अगर नए हैं और आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आते हैं और मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स भी देखें अगर वो भी पसंद आते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दें। तो चलिए आज का रूटीन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, स्टे कनेक्टेड। आयु क्या क्या ला कर रखा बेटा आपने यहाँ पर? मम्मा खेल रही ना, वो मम्मा काम कर रही ना, आपको फुल एक्टिव मोड में है क्योंकि ये अभी 11:30 बजे सोकर उठा है। और मेरी नींद तो हो गई क्योंकि मैं 8 बजे सो गई थी, बट मेरे हस्बैंड की नींद नहीं हुई बेचारे की, ऑफिस जाना पड़ा उनको, बट वो रात में जल्दी सो गए थे और मैं रात में 1:30 बजे सोई थी क्योंकि ये 12 बजे सोया था, उसके कारण मैं 1:30 बजे सोई थी। एंड उस कारण से और फिर 4 बजे ये उठ गया, तब से बेचारे वो भी और मैं भी, हम दोनों जग रहे हैं। All five little ducks came back. Five little ducks went far away over the hill. Mother duck said, quack, quack, quack. And all the five little ducks came back. All five little ducks came back. Are you duck?
आगे क्या बोलता है मैकडोनल्ड? ओहो 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 हो, मामा की हेल्प कराओ। आई यू हेल्प मम्मा, आई यू हेल्प मम्मा। नो जंपिंग, वो फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल ऑफ एंड बम्प हिज हेड। Mama called the doctor and the doctor said, what doctor said? No more monkey jumping on the bed. La 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 la. Giroge, sata ho jayegi. Five little monkeys jumping on the bed. One fell. अच्छा सेट आयु सेट स्लीप नींद कर लो। गुड नाइट बाय बाय मिस गुड नाइट। बाय बाय मिस गुड नाइट। सबको बाय करो, बाय ऐसे बाय करो भाई, उधर कैमरे की तरफ देखकर बाय कर लो। आयो सबको कहो बाय बाय। अच्छा हाय करो अभी, हाय से हाय टू एवरीवन। हाय, फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, one fell off and bump his head. Mama called the doctor and the doctor said, no. No more monkeys jumping on the bed. Acha, are you 1, 2, 3, 4 count? What is this? Are you what is this? Are you see? Are you A B C D E F G H I J K M M M E P Q R S T तो बस यही बेडिंग वगैरह मैंने क्लीन करा है, ट्राई किया था क्लीन करने का। देखिए क्रीज बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, पलंग पे बेड पे क्रीज पड़े। तो ये बेडशीट मैंने बिछाई थी अभी एक हफ्ते पहले, तो हर हफ्ते मैं चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती अगर क्लीन बेडशीट ना हो और क्लीन ब्लैंकेट ना हो। मुझे अगर डस्ट रहे बेडशीट पे, हर हफ्ते मैं अपनी बेडशीट वॉश करती हूँ अलग अलग। 3-4 मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, ये वाली मेरी मम्मी ने दिलाई थी, तो मैं हर हफ्ते क्लीन करती हूँ। हर हफ्ते मेरी बेडशीट चेंज होती है क्योंकि मुझे घबराहट होने लगती है, मेरे को नींद सीरियसली नींद नहीं आती अगर बेडशीट क्लीन ना हो। तो ये देखिए बेडशीट मैंने अभी बिछाई थी और आयो ने उस पर फिर से क्रीज वगैरह पाड़ दी, उचक उचक के पूरा। अभी मैं क्रीज हटाऊंगी, क्रीज भी पड़ी रहती ना किसी भी बेडशीट पे, मेरे को उस पर नींद बिल्कुल नहीं आती है। इंडिया में थे हम लोग जब, तो बेड के नीचे ना दरी जो आती है, मोटी वाली जो दरी आती है, वो बिछाते थे बेड के गद्दे के ऊपर, जो मैट्रेस के ऊपर बिछाते थे, तो उससे क्रीज नहीं पड़ती थी। अब यहाँ पर तो बिछा नहीं सकते, तो ये है अच्छा है, फर्म है, एक्स्ट्रा फर्म गद्दा है, तो इस पर ज्यादा क्रीज पड़ती नहीं अगर आपके पास उसको नहीं उस पर। तो ये देखिए उनके सारे गेम ना यही चलेंगे बेड के ऊपर। ये आउट कर दो, आउट क्या कह रहे हो उसको, कार को बोलो आउट आउट आउट। चलिए मैं इसे क्लीन करके जाऊं बाहर, क्योंकि मैं बाहर जब तक नहीं जाऊंगी आगे के कमरे में, तब तक आयु यहीं पर खेलता रहेगा, वो मस्ती करता रहेगा। तो मिलते, बाय बाय एवरीवन।
स्टे कनेक्टेड। अब मैं आयु को नहलाने ले जा रही हूँ, उसको फ्रेशन अप करके फिर मिलती हूँ। सी सी खराटे ले रहा है, उसके पापा की कॉपी कर रहा है। आयु पापा कैसे कहते वो पूरा पापा की कॉपी कर रहा है। आयु वंस मोर, पापा कैसे करते आयु, पापा क्या करते? अच्छा बाय बाय आयु, वेयर आर गोइंग? ग्रोसरी शॉपिंग से। बाय 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 बाय। अभी सो गया, सो कर लेट का खराटे ले रहा था और कॉपी कर रहा था उसके पापा। तो चलिए उसको मैं नहलाने ले जाती हूँ। उसने अपने कपड़े पूरे में पानी फैला दिया और उसके ऊपर बैठ गया, पूरे गीले कर दिया। तो उसको नहलाकर उसको तैयार कर दूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उत्पम बनाने के लिए मैंने टमेटोज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब शिमला मिर्च को मैं हल्का बारीक बारीक चॉप करूँगी। थोड़ा सा ही बैटर में बनाया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमेटो लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। अब ब्रोकली को भी अच्छे से चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। तो बस सब मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद सारा सब कुछ चॉप कर रही हूँ। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अब ये मैंने कट कर लिए हैं वेजिटेबल्स। अब मैं इसको ये बैटर में ऐड करूँगी। बैटर में मैंने कर्ड और हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, जिससे स्मूथ बने बैटर। कर्ड ज़रूरी है ऐड करना, मार्केट का ही यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। ये मिक्स उत्पम मिक्स यूज़ कर रही हूँ मैं मार्केट का। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बैटर बना है। और अब मैं इसमें बीट रूट ग्रेट कर डालूंगी। अगर बीट रूट बच्चों को दें बहुत अच्छा रहता है, और अगर आप लोगों को भी खाना है और बच्चों को कलरफुल कुछ खिलाना है तो हर चीज़ में बीट रूट डाल दें तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं बारीक बारीक ग्रेट कर बीट रूट को डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे कट कर भी डाल सकते हैं, बट मैंने सोचा कि बीट रूट पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ग्रेट करके डालो तो अच्छे से पक जाता है बीट रूट। अभी देखिए ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसको बैटर में मिक्स कर लूँगी। देखिए कलर बहुत प्यारा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा इस बैटर का। देखिए खूब प्यारा सा पिंक कलर आ गया है। और आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। इसकी कंसिस्टेंसी मैं पतली इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आयु को क्रिस्पी डोसा, क्रिस्पी उत्पम बहुत पसंद है। तो मैं मोटा नहीं बनाती हूँ, पतला ही शेप का बनाती हूँ। ये तवे पे मैंने इसका बैटर डालकर राउंड शेप दे दिया है अच्छे से। एंड अब मैं इसको पकने दूँगी थोड़ी देर तक, अच्छे से वो क्रिस्पी हो जाए तब तक पकाऊँगी और हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। हल्का सा ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ। तवे पर ऑलरेडी मैंने ऑयल स्प्रेड कर चुकी थी और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और स्प्रेड कर रही हूँ मैं इसमें, जिससे वो अच्छा क्रिस्पी बने। और मैंने इस पे घी भी लगाया था उत्पम पे। आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। मैंने दोनों साइड घी लगाया था। और देखिए आयु नहाने के बाद मांग रहा है, खाई खाई मांगने आया, उसे भूख लग रही है। तो ये देखिए मेरा उत्पम ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। और मैं दोनों साइड थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी। घी लगाने से उत्पम या डोसे में बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा घी लगाकर। ये देखिए बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी मैं ये उत्पम को। और ये मेरा उत्पम दोनों साइड उसको पलट के अच्छे से घी लगा दूंगी। उत्पम रेडी है आयु को खिलाने के लिए। अब मैं लेकर जा रही हूँ। और ये आयु ने खा लिया। ये जो छूटा हुआ है इससे थोड़ा ज़्यादा छोड़ा था उसने, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ। और खाने में ट्रस्ट मी गाइस बहुत टेस्टी उत्पम बना था। आप भी घर पे ये इस तरीके की रेसिपी ट्राई करें उत्पम की, तो आपके आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी। मीनवाइल देखिए ये आयु खेल रहा है, खाना खाने का फुल हो गया है और वो खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। बीट रूट उत्पम या बीट रूट चीला हल्का सा ग्रेट करके, जैसे हम गाजर डाल देते हैं उत्पम या चीला में, तो आप थोड़ा सा ग्रेट करके डालें, उसका कलर भी आएगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन आयरन की कमी रहती है वो भी पूरी होगी। मेडिसिन ना लेकर नेचुरल चीज़ों से क्योर करें तो ज़्यादा अच्छा है।
आयु में ऐसी आयरन और ही इज परफेक्टली फाइन, किसी चीज का नहीं है। और बट मैं उसको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देती रहती हूँ इस टाइप का। अब जैसे मैं उन्हें उत्पम बनाया था, तो उत्पम में मैंने शिमला मिर्च डाली थी, ब्रोकली डाली थी और उसमें थोड़ा सा टमाटो डाला था। अनियन डालना मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं हल्का सा थोड़ा सा बारीक बारीक काटो, बच्चों को ज्यादा बड़ा पीसेस दोगे तो उन्हें पसंद नहीं। देखिए बीटरूट का अभी भी मेरे हाथ में रेडनेस है, वो बीटरूट के कारण है। तो वो बच्चों को थोड़ा सा मतलब थोड़े थोड़े बारीक बारीक कट करके दो, तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं और सारे विटामिन प्रोटीन मिनरल्स सब बच्चों को मिल जाता है अगर उनकी फेवरेट डिश में ये सारा डाल दो। और मैं कभी कभी टिक्की भी बनाती हूँ उसी का, थोड़ा सा आलू मैश करके थोड़े से टिक्की या सैंडविच बनाती हूँ तो उसकी स्टफिंग में ये सब चीजें डाल देती हूँ। तो हेल्दी भी ऑप्शन रहता है और बच्चे खा भी लेते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद ये डेनिमल्स करके स्मूदी है, ये देखिए अच्छे से दिख रही है कि नहीं, ये कर्ड स्मूदी, स्मूदी जो दही की बनती है, हिंदी में बता रही हूँ मैं, दही की बनती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। तो आयु ना दही नहीं खाता है, उसको ना जो ज्यादा स्टिकी स्टिकी रहती है ना चीजें, जैसे एवोकाडो भी, उसको मैं अगर खाली एवोकाडो का मैश करके दूंगी वो नहीं खाएगा। बट मैं एवोकाडो के पराठे या एवोकाडो सैंडविच या एवोकाडो कुछ भी मैं भी डालकर अगर उसे देती हूँ तो वो खा लेता है। वैसे ही वो दही नहीं खाता, तो मैं ये डेनिमल्स की स्मूदी जो लेकर आए थे उसके लिए वो भी नहीं खाता था, बट ये फ्रिज में से निकाली थी, ठंडी ठंडी थी, तो उसने पूरी पी गया, इसलिए क्योंकि उसको लगा आइसक्रीम जैसा ठंडा ठंडा टेस्ट आया तो वो पूरा पी गया ये। तो बस यही बताना चाह रही हूँ कि बच्चों को ट्रिक अपनाते रहें। जैसे नहीं पीता था उसने, ये पहली बार पूरी फिनिश करी, नहीं तो हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि वो थोड़ा तो दही खाए। उसने जब से पैदा हुआ तब से वो दही नहीं खाता था। पराठे में भी मैं दही वगैरह, ये उत्पम बनाया था अभी, उसमें भी 2 चम्मच स्पून 2 स्पून मैंने कर्ड मिलाया था, सॉल्ट मिलाया था, लाल मिर्च मिलाई थी, तो वो सब मिलाकर मैं उसको दे देती हूँ। वो जो भी नहीं खाता है ना चीजें उसको हाइड कर देती हूँ। तो ये पहली बार उसने फिनिश करी तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा प्रोटीन रहता है दही, बच्चों को देना चाहिए हमेशा खाने में, उनका पेट भी अच्छा रहता है और एंटीबायोटिक का काम करता है दही भी, अच्छा रहता है। तो खेलने में लगे हुए हैं तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, प्रोबायोटिक्स रहते हैं दही में। और अगर बच्चों को वो लूज मोशन वगैरह हो तो ज़रूर बच्चों को ये स्मूदी पिलाएं। इंडिया में अवेलेबल नहीं होता तो आप घर में बना सकते हैं फ्लेवर स्मूदी, स्ट्रॉबेरी या जैसे मैंने अभी बताया बीट रूट ने कितना अच्छा पिंक कलर दिया था, तो दही में थोड़ा सा पिंक कलर, थोड़ी सी हल्की सी शुगर वगैरह ऐड करके, शुगर नहीं हो तो हनी या डेट सिरप आता है वो ऐड करके बच्चों को दे, बच्चे बहुत अच्छे से पी लेंगे। तो यही था, ये देखिए पूरी फिनिश कर दी उसने तो अच्छा है। दूसरी चीज, एक और चीज बच्चों के साथ क्या हो रही थी कि हम आयु का अभी लास्ट मंथ डॉक्टर विजिट था दिसंबर में, तब डॉक्टर ने बोला था उसका दूध बिल्कुल बंद कर दे, अगर दूध बंद नहीं करेंगे तो बच्चा खाना अच्छे से नहीं खाएगा। तो हमने आयु का दूध पूरी तरह तो बंद नहीं किया, सुबह उठकर वो दूध पीता है, चाहे वो अब 6 बजे उठे 7 बजे उठे, हम 6 बजे उसे दूध पिला देते हैं। चाहे वो, क्योंकि 6 बजे वो उठता नहीं है, 6 बजे वो तो आज सुबह 4 बजे उठ गया था, तो 6 बजे उसने जाकर दूध पिया, 4 बजे पिला रहे थे वो नहीं पी रहा था, तो 6 बजे उसने दूध पिया। तो हम लोग अधिकतर 6 बजे ही उसे मॉर्निंग में दूध पिला देते थे। तो दूध पीने के बाद क्या होता है ना कि हल्का उसका स्टमक फील रहता है, तो बस 9 साढ़े 9 बजे तक वो सोता है। हाँ क्या हुआ बेटा, उसकी बैटरी डाउन हो गई। तो हाँ, तो वो सुबह 6 बजे उसे दूध पिलाया, उसके बाद जब वो उठा सोकर, उसके बाद दूध पीने के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो आज बहुत ज्यादा टायरिंग डे हो गया था हम लोगों के लिए, सुबह 6 4 बजे उठे थे, तो वो मैगी बनाकर खाकर गए थे और बाहर से हम लोग ने लंच मंगाया था। तो इस चक्कर में उन्होंने वो मैगी खा रहे थे, तो उसने थोड़ी सी उनके साथ मैगी खाई। मैं मैगी अवॉइड करती हूँ बट मेरे हस्बैंड उसे दे देते हैं थोड़ी थोड़ी मैगी, मैं बहुत कम देती हूँ उसको मैगी, तो मैं भी नहीं खाती, मैं भी बहुत रेयर केसेस में मैगी खाती। तो आज मैंने भी मैगी खा ली थी क्योंकि भूख लग रही थी और कुछ बनाने का हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
फिर आई 8 बजे, सो गया। उसके बाद उठा वो 11:30 बजे, 11:30 बजे मैंने उसे एक पराठा खिलाया था, और अभी 2:30 बजे मैंने उसे बीटरूट उत्तपम बनाकर खिलाया। उसके बाद उसने वो थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके पेट में अभी फिल नहीं हुआ है, तो मैंने ये ट्राई कराया उसे, तो थोड़ा सा था, ये ज़्यादा रहता ही नहीं है, ज़रा सा रहता है ये, इसमें लिखा नहीं है कि ये कितना ml रहता है, लिखा होगा कहीं ना कहीं, मुझे दिख नहीं रहा है ये कितना ml रहता है, तो उतना उसने पी लिया। गाढ़ा भी रहता है ये, ज्यादा गाढ़ा ना पतला, अच्छी कंसिस्टेंसी का रहता है, तो उसने ये पी लिया। तो अब मैं उसे, 3 बजने वाले हैं, वैसे तो 3 बजे उसके उठने का टाइम होता है, बट मैं उसको सुलाने ले जा रही, नहीं तो वो थोड़ी देर में चिड़चिड़ाने लगेगा। तो मैं आपको फिर कनेक्ट करती हूँ थोड़ी देर में, मिलती हूँ आप लोगों से। तो मेरा भी नाश्ता खाना हो गया, और बीटरूट उत्पम उसने जो छोड़ा था वो मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा यमी था गाइस। प्लीज़ ट्राई करें आप लोग ये बनाना, बीटरूट उत्पम। मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा वो ब्रेक हो गया था। आ रहे बेटा का, बस बस बस, चलिए मैं उसे सुलाने ले जाती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ ये आपको। देखिए गाइस, बहुत प्यारी सी धूप मेरे बेडरूम के अंदर से आ रही है, और आयु को मैंने सुला दिया है, और इतनी प्यारी धूप आ रही है, अभी लिविंग एरिया में नहीं आ रही है, ड्राइंग बेडरूम में बहुत प्यारी धूप है। बच्चों को सुलाना बहुत मुश्किल का काम होता है, ऐसा लगता कोई सी जंग जीत ली है, तो ये सो गया है। हाँ तो गाइज, आयु सो गया, उसे मैं जस्ट अभी सुला कर आई हूँ, अभी बज रहा है 4 बजने में, अभी 10 मिनट कम है। उसे मैं 3 बजे सुलाने ले गई थी, 3:30 के लगभग वो जाकर सोया है, लेट सोया थोड़ा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, और फिर बाद में 11:30 बजे तक सोया। तो अभी मैं जस्ट उसको सुला कर आई हूँ, और उसको सुलाते सुलाते मेरे को भी नींद जैसा लगने लगा, और सर भारी सा हो रहा है, क्योंकि एक बार रूटीन गड़बड़ा जाता है ना, तो यही होता है। सुबह जल्दी उठ गए हम लोग, एंड देन उसके बाद से जगे हुए हैं, फिर 11:30 बजे उठी सोकर, तो सोचा था 4 बजे चाय बनाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड थोड़े लेट आएंगे 5 बजे, तो मैं तभी उनकी चाय पर रखूंगी, अभी नहीं रख रही, थोड़ी देर से रखूंगी। अभी देखती हूँ, मैं भी सोची थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड दोज हु हैवन्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय बाय, नमस्कार।